विमल भाई के चुड़ासमा ये जीते हैं और कांग्रेस से ये उम्मीदवार हैं और ये सोमनाथ से इन्होंने जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं बीजेपी से जशु भाई भानु भाई बराद ये जीते हैं, जहां पर ये बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और इन्होंने जीत हासिल की है। यहां पर एक बड़ी जीत कही जा सकती है इनकी। सरकार आज कायम हुआ और उसमें किस तरह से भागीदारी दी गई है तमाम प्रत्याशियों की तरफ से। बलराम खूबचंद थवाणी ये नरोडा से जीते हैं और इनकी जीत भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि पूरी तरह से ये चुनाव में जुटे हुए थे और यहाँ पर एक जीत हुई है। तो कुल मिलाकर ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन ओम प्रकाश डी तिवारी ये कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे और इनकी हार यहाँ से नरोडा सीट से हुई है, बड़ी हार यहाँ पर कांग्रेस के लिए कही जा सकती है। अरविंद पटेल साबरमती से ये जीते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे और इनकी जीत यहाँ पर हुई है। इसके अलावा साबरमती से हार जीतू पटेल की हुई है, आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे और इनकी हार हुई है। जिग्नेश मेवाणी निर्दलीय उम्मीदवार थे और बडगाम सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, यहां पर इनकी जीत हासिल हुई है। मेहसाणा की बात की जाए, नितिन पटेल डिप्टी सीएम है और बड़ा चेहरा थे बीजेपी की तरफ से, इनकी भी जीत यहां पर हुई है। तो कुल मिलाकर ये वो बड़े नाम थे जिनकी जीत हुई है। मेहसाणा से हारा कौन है, जीवा पटेल, इनकी हार हुई है और इस सीट पर इन्होंने नितिन पटेल को कड़ी टक्कर शुरुआती दौर में दी, लेकिन आगे चलकर जीत जो है वो नितिन पटेल की हुई है। पंकज देसाई नाडियाड सीट से विजयी हुए हैं, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा राजकोट पश्चिम से सीएम विजय रूपाणी की जीत हुई है। तो ये वो तमाम आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं जिन पर जीत कौन कौन से प्रत्याशी हासिल कर चुके हैं। इंद्रनील राजगुरु राजकोट पश्चिम से इन्होंने जीत हासिल की है और फिर सरकार राज कायम करने में एक बड़ी भूमिका यहां पर कही जा सकती है कि इनकी भी रही है। लिंग लविंग जी ठाकुर यहां पर इनकी हार हुई है, राधनपुर सीट से इनकी हार हुई है। और इसके अलावा अल्पेश ठाकुर जो कि कांग्रेस की सीट से चुनाव, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव इन्होंने लड़ा था और इनकी राधनपुर सीट से जीत हुई है। इसके अलावा रंजीत एस छावन अकोटा से इनकी हार हुई है, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वहीं दूसरी तरफ बात अगर अकोटा की जाए तो सीमा बैन मोहिले इनकी जीत हुई है और बीजेपी की एक बड़ी जीत में इनकी भागीदारी रही है। कनु भाई वाघेला असारवा सीट से हारे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कांग्रेस की हार जो हुई है उसमें ये भी एक प्रत्याशी कहे जा सकते हैं। इसके अलावा अरसावा से यहाँ पर प्रदीप भाई परमार जहाँ पर इनकी जीत हुई है, बीजेपी के प्रत्याशी थे और जो कि अब तक रुझान सामने आ रहे उसमें से एक बड़ी भागीदारी इनकी भी कही जा सकती है। इसके अलावा मंजलपुर से योगेश भाई पटेल जीत हासिल कर चुके हैं, तो इनकी भी जीत हुई है यहाँ पर। और बीजेपी जो लगातार रुझान में अभी तक सामने आ रही है कि पूरी तरह से सरकार बना रही है, कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। तो ये वो प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत हासिल की।